मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज राजकोट लोकसभा प्रवास के अंतर्गत, लोकसभा क्लस्टर प्रवास के अंतर्गत मैं यहाँ राजकोट आई हूँ और यहाँ पर हमारे एमपी साहब, हमारे राज्यसभा एमपी साहब, हमारे सभी प्रभारी गण, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और सभी का, पूरे कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया और बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम। मैडम, चुनाव का माहौल कैसा रहेगा देश में? बहुत अच्छा माहौल है, 400 पार करेंगे निश्चित रूप से। किसी भी समय बीजेपी की पहली याद ही बाहर आ सकती है, क्या लगता है, क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखा जाएगा इस बार? देखिए, ऐसा है कि हमेशा ही अच्छे लोगों को टिकटें दी गई हैं और उसका नतीजा भी हम लोगों ने देखा है और इस बार भी वही होगा और बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस होता है और पूरा टीम सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें अच्छे लोगों को अवसर मिला जाए। इस बार महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा भाजपा की तरफ से, किस प्रकार का माहौल है आप महिला? जी बिल्कुल, 33% आरक्षण भी महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा मिला है और हम सभी महिलाएँ उनका बहुत बहुत आभार बार बार व्यक्त करती हैं और इस बार भी हम लोग जरूर, मुझे लगता है कि इस बार भी जब सीटें जब सिलेक्शन होगा उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिया का गठबंधन क्या कैसे देख रही है? कि उनका कोई गठबंधन ही नहीं बचा और धीरे धीरे जो कुछ बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। खास करके जो रिपीट चाहिए कि सभी जगह बात की जा रही है तो नए उम्मीदवारों, देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो भी कुछ है बहुत जल्दी मुझे लगता है आपके सामने आ जाएगा।